हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मम्मीज़ ब्लॉग में आपका बहुत स्वागत है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। आज हम जन्माष्टमी पे लड्डू गोपाल के लिए लड्डू बनाएंगे, मावा लड्डू बनाएंगे। उसमें स्टफिंग करेंगे गुलकन की, तो गुलकन मावा लड्डू बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने एक चम्मच देसी घी डाल रही हूँ मैं, कढ़ाई गर्म हो गई है। और मैंने एकदम गैस धीरे कर दी है। धीरे गैस में अब हम सूजी भुनेंगे। पहले सूजी भुनेंगे, उसके बाद ये मावा लिया है वो भुनेंगे, तो ये लड्डू बहुत टेस्टी बनेंगे। अभी मैंने पंजीरी की भी रेसिपी डाली थी, वो बहुत सबको पसंद आई थी, तो मैंने मावा भी लिया है पौन बॉल और पौन बॉल सूजी ली है। अब इसी में फ्राई कर रही हूँ। एकदम गैस धीरे कर दिए और हल्की सी भुनेंगे, ज़्यादा कलर नहीं आना चाहिए सूजी पे भी, नहीं तो जलने का टेस्ट आ जाता है। बस हल्की सी घी में फ्राई करके और इसे निकाल देंगे। एकदम गैस धीरे है, बिल्कुल भी तेज मत करिएगा आप गैस को, और हल्के हल्के चलाते रहिए तो वो चारों तरफ से सिकती जाएगी। और ये भुन गई है हमारी सूजी। गैस मैंने बंद ही कर दी है, बिल्कुल बंद कर दी है, नहीं तो ये गर्म रहती है। और मैंने इसमें मावा डाल दिया है, जो पौन बॉल मावा लिया था वो भी डाल दिया है। और इसके अंदर भी मैंने एक चम्मच छोटा चम्मच घी डाला था ताकि मावा जले नहीं। आप दो चम्मच भी डाल सकते हैं, अगर चिपकने लगे तो थोड़ा एक और चम्मच डाल दीजिए। और गैस बिल्कुल धीरे रखिए। और ये मावा भी हमारा धीरे गैस में सिक रहा है। बस जरा सा सेकना है, करीब 10-20 सेकंड के करीब, नहीं तो फिर ये जलने लग जाता है। गैस बंद कर दी है मैंने, बिल्कुल बंद कर दिए। और इसके अंदर मैं ये आधी बॉल शक्कर है पीसी हुई, मिक्सी में पीसी के रखी मैंने, ग्राइंड करके रखी है ग्राइंडर जार में, वो डालूंगी। और इसमें थोड़ा पिस्ता और इलायची भी डाल दूंगी। तो पिस्ता इलायची तो मैं अभी स्टफिंग बनाऊंगी उसमें डालेंगे। ये मैंने एवरीडे का मिल्क पाउडर लिया है, आधी प्याली है, आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, आधी प्याली मिल्क पाउडर और आधी प्याली के करीब दूध है। तो जितनी ज़रूरत होगी उतना दूध डाल देंगे, अगर ज़्यादा भी ज़रूरत होगी तो फिर और भी डाल सकते हैं। गैस जला दी है मैंने, गैस भी धीरे रखी है, नहीं तो ये मिल्क पाउडर जो डाला है ये सब थोड़ा हल्का हल्का जलने लग जाता है नीचे, तो धीरे गैस में हम इसे मिक्स करेंगे। और ये जो सूजी और मावे का मिक्सचर बनाया था मैंने निकाल लिया था कढ़ाई से, और ये अब इस कढ़ाई में डाल रही हूँ और इसे हम डिजोल्व करेंगे और सूजी सारी फूल जाएगी ताकि, और मिक्सचर अच्छा हो जाएगा, बनने लायक हो जाएगा ताकि लड्डू अच्छी तरह बन सके। अब ये देखिए, अब टाइट होने लग गया है। पहले थोड़ा लिक्विड फॉर्म में था, अब टाइट होने लग गया है। इसमें आप दो चम्मच घी भी डाल सकते हैं। अब ये मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, कॉर्नफ्लोर मैंने इस मिक्सचर में डालेंगे, लेकिन इसको मैं पहले ठंडे दूध में डिजोल्व करूँगी। कॉर्नफ्लोर हमेशा ठंडे दूध में ही डाला जाता है। ये एक चम्मच डाला है और अभी मैं एक चम्मच और डालूँगी। ठंडा दूध है मेरा पास, एकदम चिल्ड है ये, तो इसमें डिजोल्व हो जाएगा अच्छी तरह से। और अगर गर्म में डाल देंगे अपन तो गठाने पड़ जाती है। ये दूसरा चम्मच भी डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर, दो चम्मच डाल रही हूँ, और इसमें अच्छी तरह से पहले डिजोल्व कर लेती हूँ। देखिए ये अच्छी तरह डिजोल्व हो गया ठंडे दूध में।
और मैंने सारा ही डाल दिया है। अब इसे मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स ये रेसिपी आपको किसी ने नहीं बताई होगी, ये मैं ही बता रही हूँ, और ये बहुत ही टेस्टी लड्डू बनेंगे। इसमें फिलिंग होगी, मावे के अंदर होगी, गुलकन की फिलिंग करूँगी मैं, और गुलकन में जो अभी मैंने इलायची बताई थी वो डाल दी है, और अभी मैं आपको बताऊँगी गुलकन की फिलिंग। तो ये मिक्सचर तैयार हो गया है मेरा, कढ़ाई खाली कर ली है मैंने मावा और सूजी की, और ये गुलकन मैं आपको दिखा रही हूँ अलग डब्बे में मैंने फ्रिज में रखी हुई थी। तो ये गुलकन के छोटे छोटे लड्डू बना लिए मैंने, इस तरह से गोल से बाउल्स बना लिए हैं, और इसके अब जो सूजी और मावे के करेंगे बाउल्स बनाएंगे, लड्डू बनाएंगे, उसके अंदर फिल कर देंगे। ये मेरे पास सौंफ है जो पान में डालते हैं अपन, मीठे पान में डालते हैं। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सौंफ है, इसमें ये गोल गोल छोटे बाउल्स भी होते हैं मीठे वाले, और सौंफ वगैरह सब इसमें मिक्सचर होता है। तो इन बाउल्स के अंदर स्टफ करेंगे, ये गुलकन के अंदर डालेंगे, जैसे अपन पान में डालते हैं मीठे पान में ऐसे। तो स्टफिंग बहुत मस्त लगेगी फ्रेंड्स। इसको फिल कर देंगे इस तरह से, बीच में डाल के दबा देंगे, और फिर गोल सा ऐसे लड्डू जैसा बना देंगे, और इसको हम ऐसे बना के थोड़ा फ्रिज में रखेंगे, थोड़ा ठंडा रहेगा तो टाइट रहेगा। और इसको भी मैंने फ्रिज में से बाहर निकाल लिया है, ठंडा कर दिया है, मिक्सचर ठंडा हो गया है। अब इसके हम गोल गोल बॉल्स बनाएंगे। और इस बॉल्स के देखिए अब मैंने गोल सा बना दिया है। अब इसके अंदर मैं गुलकन की जो गुलकन के बॉल्स बनाए थे वो स्टफ करेंगे, इसको भर देंगे इस तरह से, और चारों तरफ से ये जो सूजी मावा की बॉल्स को ऐसे दबा के, जो डो बनाया था दबा के ऊपर कर देंगे, और वो गुलकन अंदर रह जाएगी। देखिए कितना अच्छा बॉल बन गए हैं। मैं सभी बॉल्स इसी तरह से बना लूँगी, ये मैंने दिखाया आपको। अगर आपका थोड़ा चिपकता है तो आप थोड़ा देसी घी लगा सकते हैं हथेली में। ये देखिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, चाकू से कट कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो ये लड्डू के अंदर गुलकन कितना मस्त लग रहा है आप देख सकते हैं, स्टफिंग दिख रही है आपको साफ। तो आप भी इसी तरह से बनाइए, और कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी रेसिपी, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इस तरह से और भी रेसिपीज लेके आऊँगी। मैंने इसके ऊपर चांदी का वर्क से डेकोरेशन कर दिया है, आपकी इच्छा हो तो आप लगा सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे लड्डू गोपाल को ये लड्डू लगेंगे, गुलकन लड्डू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।